इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध भांग की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच और सदर बाजार पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों आदतन आरोपी हैं, जिनके कब्जे से 39 किलो अवैध भांग जब्त की गई है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति सदर बाजार क्षेत्र में अवैध भांग की तस्करी करते हैं। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों बदमाशों पर निगाह रखी। उसके आधार पर पारस पिता रमेश गुड़ निवासी भोई मोहल्ला, सदर बाजार में मोहित उर्फ कालू पिता कैलाश यादव निवासी बख्शीबाग को पकड़ा, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 39 किलो अवैध भांग मिली है। पकड़े गए दोनों आरोपी पूर्व में भी अवैध भांग के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं आरोपी पारस पर सदर बाजार थाने पर जुआ और आबकारी अधिनियम के तहत कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध है। वहीं आरोपी मोहित के विरुद्ध थाना मल्हारगंज पर आबकारी सहित अन्य 5 प्रकरण दर्ज हैं। सदर बाजार पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर पुलिस कमिश्नरेट में ऑपरेशन प्रहार के दौरान लगातार अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी, जिसमें जो अवैध भांग बेच रहे हैं रहवासियों के द्वारा भी इसकी शिकायत की गई थी। तो इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम लगाई जाकर और वहाँ पर उनको लगाया गया, और फिर जब देखा तो वहाँ पर दो लोग हैं जो कि अवैध भांग बेच रहे हैं, जिसके एक कब्जे से लगभग 25 किलो, दूसरे कब्जे से लगभग 15 किलो, कुल मिलाकर 40 किलो भांग जब्त की गई है, जिसमें जो आरोपी का जो नाम है एक पारस और दूसरा मोहित, दोनों ही व्यक्तियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि पारस के खिलाफ 9 अपराध दर्ज हैं और मोहित के खिलाफ 6 अपराध दर्ज हैं। इसमें ज़्यादातर अपराध एक्साइज के लिए भांग बेचने के लिए, तो आदतन भांग बेचने वाले हैं, जिन पर अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।